डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, फिजिक्स में प्रकाशीय यंत्र में हम लोग अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं, और इस चैप्टर का बात करें तो आज हम लोगों का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मानव नेत्र, ठीक है, जिसका हम लोग बोले तो ह्यूमन आई, ठीक है, ह्यूमन आई, HUMAN I। और ये क्लास 10th में भी आप लोग पढ़ा होगा मानव नेत्र के बारे में। तो चलिए सबसे पहला आपको बताते चलें कि जिस तरीके से किसी भी वस्तु को देख पाते हैं आप, वो गॉड गिफ्टेड एक प्राकृतिक यंत्र है, प्रकाशीय यंत्र, जिसको मानव नेत्र कहते हैं। इसकी सहायता से आप पूरे जगत, पूरे संसार को आप देख सकते हैं। ये आकार में तो बहुत छोटा होता है, हमारी आंखें बहुत छोटा है, लेकिन न जाने कितने बड़े बड़े वस्तुओं को ये देख सकता है। इतने बड़े टावर, इतने ऊंचे बिल्डिंग, इतने दूर स्थित सूर्य, चंद्रमा, तारे, सबको ये हमारा आंख, छोटा सा यंत्र देख लेता है। तो सबसे पहले मानव नेत्र में हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे मानव नेत्र का, ठीक है। तो फिगर ड्रॉ कैसे करेंगे, चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले मानव नेत्र का जो आकार है बिल्कुल गोलीय है, ये आपको मानना चाहिए। मानव नेत्र का आकार कैसा है, गोलीय है। यहां से एक कॉर्निया जैसा भाग उठता है ऐसे, ठीक है, इसलिए क्योंकि यहां पे एक लेंस लगा हुआ रहता है। ये है हमारे मानव नेत्र में लेंस, इसको सिलियरी मांसपेशिया यहाँ से टांगी रहती है, इसको हम लोग कहते हैं। ये है मेरा उत्तल लेंस, इसके बारे में लिख लीजिएगा, उत्तल लेंस है, ठीक है। और फिर बात करें तो इसके लेंस के ऊपर ऐसा परत चढ़ा रहता है जिसको आयरिस कहते हैं, ठीक है। ये है क्या, तो ये है आयरिस। ये सब मानव नेत्र के भाग हैं, ये हो गया आयरिस। फिर इसके बाहर वाला जो परत होते हैं, इसके जो बाहर वाले परत होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, जो बाहर वाला है उसको कहते हैं हम लोग कॉर्निया, सॉरी, हाँ, ये जो बाहर वाला है इसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया, ठीक है। इसका फिगर आप ये नहीं बनाइएगा, ये जो फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं ये थोड़ा सा इसमें गलती है, हम आपको फिगर दिखा रहे हैं, कौन सा फिगर ड्रॉ कीजिएगा आप। ये फिगर जो देख पा रहे हैं ना, ये फिगर पहले मानव नेत्र में आपको ड्रॉ कर लेना अच्छे से, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा सा फिगर है, और हम एक हाथ में फोन लेकर एक हाथ में शूट कर रहे थे, फिगर अच्छा से नहीं बन पा रहा था। तो ये फिगर है आपका, इसमें हम समझा देना चाहते हैं कि ये चूंकि पूरा मानव नेत्र है, देख लीजिए, ये पूरा जो फिगर है ये मानव नेत्र का है, और जो बीच में लगा हुआ है ये लेंस है, और लेंस में इसका नाम लिख लीजिएगा उत्तल लेंस। और ये जो लेंस को टांगे हुए हैं मांसपेशिया, इसको कहते हैं सस्पेंसरी पिगामेंट या लिगामेंट। इसका मतलब होता है कि मांसपेशियां हैं, ठीक है, सिलियरी मांसपेशियां इसको कहते हैं, जो लेंस को क्या करे रहती है, टांगे रहती है, ठीक है। और इधर वाला भाग जो है ये आयरिस है, इसको आयरिस कहते हैं ना। और ये जो बीच में खाली भाग है इसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं, ये पुपिल हुआ, पुपिल मतलब पुतली, और इसको कहते हैं कॉर्निया। ये हो गया सिलियरी मसल्स, ठीक है, और यहाँ वाला पार्ट्स को लिगामेंट कहते हैं, और ये सिलियरी मांसपेशियाँ हो गया। और इधर पीछे बात करें तो यही है रेटिना, ये वाला पार्ट्स को रेटिना कहते हैं। और सभी मानव नेत्र के भाग में ना हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर रेटिना क्या होता है, आयरिस का काम क्या है, लेंस कौन सा इस्तेमाल किया रहता है, ठीक है। और इधर इधर वाला जो खाली स्थान है, इधर पे एक द्रव रहता है जिसको बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर, और यहाँ पे कौन सा द्रव है,
एक्वस ह्यूमर और यहाँ पे विट्रियस ह्यूमर। यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट है, यानी कि जितना भी हम चीज़ों को देख पाते हैं आँख से, वो ये जो ब्लाइंड स्पॉट है ये दिख भेजता है कहाँ पे, ह्यूमन ब्रेन को भेजता है, दिमाग को भेजता है, सूचना प्रदान करता है कि हम किस वस्तु को देखे हैं, उसका आकृति आकार कैसा है, कौन सा रंग है। आपको क्या करना है, पहले मानव नेत्र टॉपिक देकर ये वाला एकदम बढ़िया सा डायग्राम पेंसिल से बना लेना है। बनाने के बाद हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लिया कि ये डायग्राम बना लिए, सब दर्शा दीजिएगा कहाँ क्या है। उसके बाद उसके नीचे एरो देंगे, फर्स्ट एरो। फिगर बनाने के बाद लिखा जाए फर्स्ट एरो में, मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है। मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा हम बाह्य जगत को प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो जानते हैं कि मानव नेत्र एक प्राकृतिक है, गॉड गिफ्टेड है, जिसकी वजह से हम पूरे संसार को प्रकाश अगर दिर रहेगा तो हम उसको देख सकते हैं। फिर लिखेंगे नेक्स्ट एरो, मानव नेत्र का आकार लगभग गोलीय होता है। मानव नेत्र का आकार लगभग गोलीय होता है जो खोपड़ी में बना गड्ढा में स्थित है। देख लीजिए, हमारा जो आंख है ना, ऊपर खोपड़ी, यानी कि ब्रेन का जो खोपड़ी है ना, उसी के आगे दो गो गड्ढा है। अब इसी दो गड्ढा में हमारा आंख जो है फिट है, ठीक है, तो यही लिखा गया है। चलिए, अब हम लोग ना सबके बारे में अलग अलग पॉइंट्स करते हैं, ठीक है। जो जो आप भाग होता है मानव नेत्र के भाग, उसके बारे में हम छोटे छोटे टॉपिक्स देंगे, ऐसे ये छोटा टॉपिक्स को ऐसे दर्शाएंगे ना, ये स्टार पॉइंट है, इसका मतलब है कि छोटा छोटा पॉइंट है। मानव नेत्र के भाग कॉर्निया हुआ, फिर कोरोइड हुआ, आयरिस हुआ, नेत्र लेंस हो गया, ठीक है। तो सबके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग टॉपिक देंगे कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया के बारे में जानेंगे तो कॉर्निया के आगे उसके सामने एरो देंगे, लिखेंगे कॉर्निया के बारे में। लिखा जाए आंख के गोले के सामने वाले केंद्रीय पारदर्शी तह को कॉर्निया कहा जाता है। कॉर्निया कहा जाता है, जी हाँ। कॉर्निया किसको कहते हैं, तो आंख में देखते हैं ना, ये आंख है और बीच में काला होता है और इधर इधर सफेद होता है, तो यही काला वाला जो भाग है इसी से प्रकाश अंदर जाता है। याद रखिएगा, जिसको हम लोग देखते हैं उससे प्रकाश अंदर जाता है, यानी कि ये पारदर्शी भाग होता है। वही काला वाला भाग को कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर कॉर्निया का डेफिनेशन क्या हुआ कि आंख के सामने वाला केंद्रीय पारदर्शी तह, पारदर्शी का मतलब जिससे प्रकाश आर पार हो सके, उसको कॉर्निया कहते हैं, और वही काला वाला भाग से प्रकाश अंदर जाता है, ठीक है, पारदर्शी होता है। चलिए, कॉर्निया का ही सेकेंड पॉइंट लिखा जाए, लिखेंगे प्रकाश किरणें इसी भाग से होकर आंख के अंदर जाती है। याद रखिएगा, प्रकाश जो जाती है अंदर इसी भाग से जाती है, यानी कि कॉर्निया से होकर ही जाती है, क्योंकि कॉर्निया क्या है, एक पारदर्शी भाग है, पारदर्शी पदार्थ है, जो कि हमारा जो काला वाला भाग होता है वो कॉर्निया कहलाता है, ठीक है। फिर हम लोग कोरोइड के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर क्या है कोरोइड। छोटा पॉइंट्स बनाएंगे कोरोइड, ठीक है। अब ये कोरोइड क्या है,
कोरोइड के बारे में हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले लिखा जाए श्वेत पटल के नीचे अंदर की ओर, श्वेत पटल के नीचे अंदर की ओर गहरे भूरे रंग की एक झिल्ली होती है, गहरे भूरे रंग की एक झिल्ली होती है जिसे कोरोइड कहते हैं, जिसे कोरोइड कोरोइड कहते हैं। देखिए अब कोरोइड कहाँ है, तो आँख का जो नीचे वाला, आप इसको जैसे नीचे वाला को अगर आप तिरिएगा, मतलब कि जो इसका क्या बोलते हैं भौं होता है, तो आँख का जो पलक होता है ऊपर से भी होता है, जब आप सोते हैं तो ऊपर से भी ढकता है और नीचे से भी ढक जाता है। तो नीचे वाला को जब आप और नीचे उसको फैलाइएगा तो आपको दिखेगा कि लाल भूरा रंग का एक झिल्ली रहता है, वही झिल्ली को कोरोइड कहते हैं। ये आँख के नीचे वाला भाग होता है, जब इसको हम लोग छोड़ देंगे तो वो बिल्कुल हमको ढक जाता है, और जब इसको तिरेंगे, नीचे वाला आँख के जो पुतली है उसको तिरिएगा, तो नीचे गहरा भूरा रंग का एक झिल्ली दिखाई देगा। उसका काम है प्रकाश को अवशोषित करना, यानी प्रकाश जो ज़्यादा, जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है क्या, हमारे आँख में बहुत तेज रोशनी पड़ता है, ठीक है, तो हमारा आँख क्या करता है ऑटोमेटिक ढक लेता है। और यानी कि अगर कुछ ऐसा भी है जिसको हमारा आँख सहन कर सकता है, तो कुछ प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है, कौन, तो नीचे वाला भाग, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो नीचे वाला पुतली है प्रकाश का, उसको जब हम लोग फैलाते हैं तो लाल भूरा रंग का झिल्ली दिखाई देता है, उसी झिल्ली को हम लोग कहते हैं क्या, कोरोइड, ठीक है। अब ये जो कोरोइड है इसका काम क्या है, तो यह प्रकाश को अवशोषित करता है। तो कोरोइड का दूसरा पॉइंट्स लिखिएगा, यह प्रकाश को अवशोषित करता है, यह प्रकाश को अवशोषित करता है, जी हाँ, हम लोग समझे कि प्रकाश को क्या करता है, ये अवशोषित करता है। तो देखिए सबसे पहला काम हम लोग किए मानव नेत्र का फिगर, और इसके बारे में दो गो पॉइंट्स आज क्लियर किए हैं, कॉर्निया और कोरेड को। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे आयरिस के बारे में, कि आखिर आयरिस का काम क्या है, आयरिस ये सब जो है ना मानव नेत्र का भाग है। मानव नेत्र में आप भाग पढ़े होंगे क्लास 10th में, तो इसमें क्या है कि डीपली पढ़ना रहता है किसी भी चीज़ के बारे में। तो आयरिस क्या है इसके बारे में हम फिर डिस्कस करेंगे आगे अगले दिन। तो आज के लिए आप इसको अच्छे से डायग्राम बनाइएगा और दो पॉइंट्स को क्लियर कर लीजिएगा, आयरिस को हम अगले दिन बताएंगे। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।